गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नया नगर में मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुशंसा से स्वीकृत गोगाजी का थान से पुनियों का वास तक 8 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क के कार्य का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर सड़क कार्य को विधिवत रूप से शुरू करवाया। गुड़ामलानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत नया नगर में मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुशंसा से स्वीकृत गोगाजी का थान से पुनियों का वास तक 8 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वासुदेव पवार, जनप्रतिनिधि नारायण राम बिश्नोई, ठेकेदार आसुराम भादु सहित ग्रामीणों ने पूजा अर्चना कर सड़क कार्य को विधिवत शुरू करवाया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता वासुदेव पवार व जयराम पुनिया ने बताया कि ग्रामीणों के आवागमन में परेशानी हो रही थी, इसको लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी से मिलकर अनुरोध किया। मंत्री ने गोगाजी थान से पुनियों का वास तक 8 किलोमीटर डामरीकरण सड़क स्वीकृत करवाई। डामरीकरण सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं उपस्थित ग्रामीणों ने मंत्री हेमाराम चौधरी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता वासुदेव पवार व जयराम पुनिया का आभार व्यक्त कर खुशी जाहिर की। हमारे यहाँ 8 किलोमीटर रोड डामरीकरण स्वीकृत कराया मंत्री महोदय हेमाराम साहब जी ने, इसके लिए हम उसका आभारी है। पहले हमारे आने जाने का रास्ता नहीं था, अब सड़क डामरीकरण होने से हमारे को सुविधा मिलेगी। मोदी जी हेमाराम जी साहब ने 8 किलोमीटर रोड गोगाजी का थान से पुनिया वास के लिए स्वीकृत कराई। ग्राम वासियों को साहब को धन्यवाद। आवागमन के साधन सुगम रहेगा और ऐसा गाँव का प्रयास से रोड साहब ने स्वीकृत कराया। नया नगर में मंत्री हेमाराम चौधरी की अनुशंसा से स्वीकृत गोगाजी का थान से पुनियों का वास तक 8 किलोमीटर तक बनने वाली सड़क के शुभारंभ अवसर पर ग्रामीणों ने मंत्री समेत अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क बनने से उनकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूर्व में उन्हें सड़क नहीं होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने से उन्हें आवागमन की अच्छी सुविधा मिल सकेगी।